हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम साहू और आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th का पोएट्री का फोर्थ चैप्टर फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी लेसन, कोई भी पोएम पढ़ने से पहले उस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड को एक बार ज़रूर देख लें ताकि वो लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं और दिन के समाप्त होने का संकेत मिलता है। द लोलिंग हेयर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोविंग हेयर्ड विंड, पशु रंभाते हुए धीमी गति से उस चरागाह की भूमि से होकर गुजरते हैं। द प्लगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लगमैन किसान होमवर्ड घर की ओर प्लॉट्स अपने पैरों को घसीटते हुए हिज वेरी वे थका होकर घर की ओर जाता है, अर्थात किसान अपने खेतों के कार्यों को करके थक कर अपने घर की ओर जाता है। एंड लीव्स, और छोड़ दे रहा है द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधकार में, एंड टू मी और मुझे भी, और मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़ दे रहा है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और दिन के अंत होने का संकेत मिलता है, अर्थात दिन समाप्त का संकेत मिलता है। द लोलिंग हेड विंड स्लोली ओवर द सी, और पशु या जानवर रंभाते हुए चरागाह की भूमि से होकर गुजर रहे हैं। द प्लगमैन होमवर्ड प्लट्स हिज वेरी वे, और जो किसान है वो थका होकर अपने घर के और चलता है अपने कृषि कार्यों से निवृत्त होकर। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़ दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यूज ट्रीज सेड, बीनीथ नीचे दोज उन रग्ड इल्म्स जंगली पेड़, और उन जंगली पेड़ों के नीचे, दैट यूज ट्री सेड उन सदाबहार पेड़ों की छांव में, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, जहां पर सूखी हुई घास उगी है झड़ते हुए ढेर के ऊपर, या जहां पर झड़ते हुए ढेर के ऊपर सूखी हुई घास उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर यूर लेड, और प्रत्येक व्यक्ति उन सकरी कब्रों में लेटा हुआ है हमेशा के लिए। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, और हेमलेट गांव के पूर्वज इस सकरी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स, उन जंग पुराने और जंगली पेड़ों के नीचे, दैट यूज ट्री सेड और यू सदाबहार पेड़ों की छाव में, या सदाबहार पेड़ों की छाव में उन जंगली पेड़ों के नीचे, वेयर ही इज द टर्स इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, जहाँ सूखी हुई घास उन झरते हुए ढेरों के ऊपर उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और प्रत्येक उन सकरी कब्रों में लेटा हुआ है वो भी हमेशा के लिए। द रूड फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, और इस हेमलेट गांव के जितने भी पूर्वज हैं अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सब इसी जगह पर इन्हीं कब्रों में लेटे हुए हैं। तो नेक्स्ट संध्या शुरू करते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह की ताजी और मनमोहक या सुगंधित हवा
द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, और सेलो अबाबील, ये एक पक्षी का नाम है जिसको हम हिंदी में अबाबील कहते हैं, ट्विटरिंग बांग या आवाज, अबाबील पक्षी की आवाज, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, तिनको से, स्ट्रा मिस घास का एक छोटा सा तिनका, बिल्ट मतलब बना हुआ, शेड माने घर, और अबाबील पक्षी की आवाज, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, अपने तिनकों से बने हुए घर से, अर्थात अपने तिनकों से बने हुए घर से एक अबाबील पक्षी आवाज करता है, वो भी तेज आवाज में। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इंचोइंग हॉर्न, और मुर्गे की तेज बांग या शिकारियों द्वारा बजाया जाने वाला बिगुल, मतलब ये सभी चीज़ें उन कब्र में दफन हुए व्यक्तियों के लिए हैं जिनकी बात लेखक कर रहा है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, और ये सभी आवाज़ें या ये सभी ध्वनियाँ या ये सभी सुगंधें इनको कभी भी नहीं जगा सकती। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, मुर्गे की तेज आवाज, शिकारियों द्वारा बजाए जाने वाला बिगुल, अबाबील पक्षी की तेज आवाज उसके तिनके से बने हुए घर से जो आवाज करता है, और सुबह की ताजी हवा, ये सब कुछ जो कब्र में दफन व्यक्ति हैं इनको, ये जिस बिस्तर में लेटे हुए हैं इनसे, इनको इनसे कभी भी जगाया नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेशन यह शुरू करते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइल, लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मतलब लक्ष्य, मॉक देयर यूजफुल टाइल, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के कठिन परिश्रमों का मजाक मत उड़ाने दो जो उन कब्रों में दफन है, अर्थात जो व्यक्ति कब्रों में दफन है, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के कठिन परिश्रमों का मजाक उनको मत उड़ाने दो। देयर होमली जॉय, उनकी साधारण प्रसन्नता, एंड डिस्टनी अब्सक्योर, और उनके भाग्य अंधकार से भरा हुआ है, और उनका जो भाग्य है वो अंधकार से भरा हुआ है। नार ग्रैंडियर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और नार ना ही, नार ग्रैंडियर मतलब शान से, शान वाले व्यक्ति, हियर सुनने दो, और ना ही किसी शान वाले व्यक्ति को सुनने दो, विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ, अर्थात घृणा से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ किसी शान से सुनने वाले व्यक्ति को मत सुनने दो। एंड द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट छोटा एंड सिंपल साधारण एनल लेखा जोखा ऑफ द पुअर, उन गरीबों का, अर्थात उन गरीबों का जो छोटा सा लेखा जोखा है उनको घृणा रूपी मुस्कुराहट के साथ नहीं देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। द मोस्ट द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पंप ऑफ पावर, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, बोस्ट घमंड, ऑफ हेराल्ड्री श्रेष्ठ कुल में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके लिए, अर्थात जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में या उच्च वर्ग में जन्म लेते हैं उनका घमंड, द पंप ऑफ पावर, और शक्ति का घमंड, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड और उनकी शक्ति का घमंड, एंड और ऑल दैट ब्यूटी, और वह सभी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, और वह सब धन, मतलब वो जो उनको दिया गया है, इवर गिव, जो उनको दिया गया है, क्या चीज़, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, द पंप ऑफ पावर, और शक्ति का घमंड,
एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जितनी भी उनके अंदर सुंदरता अर्थात उनकी शारीरिक सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ इवर गिव, और जो भी उन्हें धन दिया गया है, अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर, अवेट्स, वे सभी लोग अलाइक द इनवाइटेबल आवर, वे सभी लोग इंतजार करते हैं उसका, जो जिसको कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता है अर्थात मृत्यु को, वे सभी लोग मृत्यु का इंतजार करते हैं। द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, और जो सफलता का रास्ता है, द पाथ माने रास्ता, ऑफ ग्लोरी सफलता, लेड रास्ता, जो सफलता का रास्ता है, बट टू द ग्रेव, वह सीधे कब्र की तरफ जाता है। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च वर्ग में जन्म लेने का घमंड, द पंप ऑफ पावर, और शारीरिक शक्ति, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वह सब सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, और वह सब धन, इवर गिव, जो उसे दिया गया है, अवेट्स लाइक द इनवाइटेबल आवर, इसके बावजूद भी वे व्यक्ति इंतजार करते हैं जिसको कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता अर्थात मृत्यु को, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति टाल उसको नहीं सकता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट द ग्रेव, और जो सफलता का रास्ता है वह सीधे कब्र की ओर जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सफल हो या असफल, वो अंततः उसे जाना कब्र में ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू फॉर सो मच।